नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और दे दे प्यार दे फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मणिकर्णिका सन 2019 में आई एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में कंगना रनावत, अतुल कुलकर्णी, मोहम्मद जीशान आयुब, जिशु सेन गुप्ता, सुरेश ओबरॉय, डैनी डेंजोंगपा, अंकिता लुखांडे, रिचर्ड कीप और यश टोंग नजर आए थे। इस फिल्म को कंगना रनावत और राधा कृष्ण जगल्लामुड़ी ने डायरेक्ट किया था। ऐसे प्रोड्यूस किया था कमल जैन, निशांत पिट्टी और जी स्टूडियो वालों ने। और इस फिल्म को 3700 स्क्रीन के साथ 25 जनवरी सन 2019 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 90 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 93 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 7 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 58 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन किया था। तो ओवरसीज में इस फिल्म ने 24 करोड़ 11 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 133 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 22वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दिए थे और इसके लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे। इस फिल्म का एक गाना भारत तो रहना चाहिए, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसे शंकर महादेवन ने गाया था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, इस फिल्म के एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान कंगना रनावत को चोट लग गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्हें 15 टाके लगे थे। नंबर दो, जब मणिकर्णिका की शूटिंग आधे से ज्यादा हो चुकी थी उसके बाद सोनू सूद इस फिल्म से हट गए थे और उनके इस फिल्म को छोड़ने के कारण कंगना रनावत को बताया गया था। फिर सोनू सूद की जगह इस फिल्म में जीशान आयुब को लिया गया था। नंबर तीन, जिस एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान कंगना रनावत को चोट लगी थी उसी सीन की शूटिंग को दोबारा कंगना रनावत ने बिना बॉडी डबल के किया था। नंबर चार, इस फिल्म से कंगना रनावत ने बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। नंबर पांच, ये फिल्म डायरेक्टर क्रिश की दूसरी हिंदी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने गब्बर इस बैक फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। नंबर छह, इस फिल्म से अंकिता लोखांडे ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब जानते हैं दे दे प्यार दे फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दे दे प्यार दे सन 2019 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, रकुलप्रीत सिंह, जावेद जाफरी, जिमी शेरगिल, आलोक नाथ, मधु मालती कपूर और कुमुद मिश्रा नजर आए थे। इस फिल्म को अकीब अली ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने। और इस फिल्म की कहानी लव रंजन ने लिखी थी। इस फिल्म को कुल 3000 स्क्रीन के साथ 17 मई सन 2019 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 42 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 104 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 10 करोड़ 41 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया था। तो ओवरसीज में इस फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 144 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 19वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बागची और विपिन पटवा ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, इस फिल्म में अजय देवगन ने 50 साल की व्यक्ति का रोल निभाया था और इस फिल्म का ट्रेलर भी अजय देवगन के 50वें जन्मदिन के दिन रिलीज हुई थी। नंबर दो, इस फिल्म के एक पोस्टर में अजय देवगन अपने फूल और कांटे वाले फेमस स्टंट करते हुए दिखे थे। नंबर तीन, ये फिल्म एडिटर अकीब अली की एज ए डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।